तो यार कैसे हो। तो आज की वीडियो में हम इस तरह की ब्लर इफेक्ट वाली वीडियो को एडिट करने वाले हैं, और वो भी कैपकट एप्लीकेशन में। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई भी VPN से कनेक्ट हो जाना है, और उसके बाद हमें कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक सैम्पल वीडियो ले लेता हूँ और उसे थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद हमें म्यूजिक भी सिलेक्ट करना है, और फिर हमें जहाँ पे बीट आती है वहाँ से हमें वीडियो को स्प्लिट करना है। उसके बाद हम स्लो मोशन इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम स्पीड में जाएंगे, कर्व में, और फिर वहाँ से कस्टम में जाएंगे। हमें वीडियो को पूरा स्लो मोशन में नहीं रखना, वीडियो का स्टार्टिंग का पार्ट नॉर्मल स्पीड में रहेगा और बाकी का स्लो मोशन में। तो इस तरीके से हमें वीडियो को एडजस्ट करना है। और उसके बाद वीडियो को स्मूथ करना है, लेकिन स्मूथ करने के लिए हमें पहले उसे स्पीड करना है। स्लो मोशन करने की वजह से ये थोड़ा लंबा हो चुका है। यहाँ पे जाकर स्मूथ अप्लाई करना है, और उसके बाद हम ब्लर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर जाके वीडियो इफेक्ट में जाना है, और वहाँ पे हालो इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट सीन में 4 बीट ड्रॉप होते हैं, तो हम बीट के अकॉर्डिंग उसके 4 पार्ट बना देंगे, और चारों सीन में सेक इफेक्ट अप्लाई करेंगे। और उसके बाद बाकी का लास्ट पार्ट में हम स्लो मोशन इफेक्ट अप्लाई करेंगे, और उसी के साथ हमारा वीडियो तैयार है, और इसे हमें एक्सपोर्ट करना है। अगर आपको और भी ट्यूटोरियल देखने हैं तो आपकी स्क्रीन में भी शो हो रहे होंगे, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।